ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो शाहजेब को पूरे ड्रामे में हीरो समझते आए हैं, और लास्ट सीन के लास्ट मोमेंट पे भी उनकी सोच नहीं बदली और उन्होंने शाहजेब को थ्रू आउट उसकी गुड लुकिंग होने की वजह से, अच्छी शक्ल की वजह से हीरो ही समझा। शाहजेब तो लड़वाओ और हुकूमत करो वाली सियासत में पूरा उतरा, जैसा कि ड्रामा देख के अंदाजा हो ही गया था कि ये कोई पीर खानदान के बावकार इबादत गुजार और नेक परहेजगार लोग नहीं हैं, बल्कि एक्चुअल में ये लोग जागीरदार थे और इनका असल मकसद जागीरें संभालना, उन पर कब्जा करना और लोगों को अपना गुलाम बना के रखना था। जिस मकसद की खातिर इन्होंने अपने आप को पीर और पीर फकीर मशहूर किया और नस्ल दर नस्ल सदियों से लोगों के दिलों में, पीरापुर के लोगों के दिलों में ये खौफ दहशत फैलाई कि हम पीर खानदान के लोग हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हत्ता कि इनकी जो गद्दी थी या जो भी इनका तख्त वगैरह था वो भी इन्होंने अपने रौब, अपने ख़ानदान का रौब और अपने जागीरों को संभालने के लिए बनाया हुआ था। और पीरापुर की रौनक, ये जो मकबरे थे ये कोई शहीदों के मकबरे नहीं थे, बल्कि ये जायदाद की खातिर, ये गद्दी और तख्त की खातिर लड़ कर मरने वाले एक दूसरे की गर्दनें काटने वालों के मकबरे थे। शाह आलम ने भी तो ये गद्दी अपने भाई को हरा कर और अपनी बहन को अपने साथ मिलाकर बादशाह बेगम बनाकर तो हासिल की थी। रहा बादशाह बेगम, उसकी गद्दी और उसकी पर्दा नशीनी वाला रोप और जो ढोंग था वो भी इसीलिए था कि ख़ानदान की जो जायदाद है वो बाहर ना जाए। पर अगर इस तरह का असूल बना लिया जाए तो इसका फ़ायदा भी पीर ख़ानदान को ही होना था। देखें, अगर इनको अपनी बहनों बेटियों की शादियां बाहर करनी पड़ती या किसी से भी करनी पड़ती, चचाजाद मामूजाद कहीं पर भी, तो वहाँ पर जायदाद का एक हिस्सा देना पड़ता, तो उसके लिए इन्होंने ये असूल बना लिया कि जी ये तो पाक दामन होते हैं तो इनकी तो शादियाँ ही नहीं हो सकती। इस तरह पीर ख़ानदान का टेका भी जमा रहा और बेटियों को उनकी जायदादें भी नहीं देनी पड़ी। शाहजेब की बदनीयती तो उसी वक्त ही वाजह हो गई थी जब उसने गुलनार की गुलनार के साथ जो भी जुल्म हुआ था उसको अपने हक में इस्तेमाल किया। उसके बावजूद अगर हमारी आवाम ये कहती है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि गद्दी शाहजेब को मिली है और शाहजेब भी इसका असल हकदार था, तो ये आवाम भी उसी तरह ही मरहला निकम्मी है जिस तरह पीरापुर की आवाम दिखाई गई थी। जेब को असल में पता था कि कैसे सबको लड़वा कर और आपस में मरवाना है, और अगर देखा जाए तो शाहजेब ने बजाते खुद किसी का मर्डर नहीं किया, किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन खुद पाक साफ होकर निकल गया। जो लोग कह रहे हैं ना कि शाहजेब ने तो किसी का मर्डर नहीं किया, तो शाहजेब ने सबको आपस में जो लड़वाया और मरवाया इसके पीछे शाहजेब का ही हाथ था और उसकी प्लानिंग थी। और अगर देखा जाए तो इसके हाथ सबसे सबके ही खून से थोड़े बहुत रंगे रंगे हैं। इसको जहाँ आरा से कोई हमदर्दी नहीं थी, ये सिर्फ जहाँ आरा को ऐसे बादशाह बेगम इसलिए देखना चाहता था कि ताकि वो इसकी गद्दी नशीनी करवाए, और इसका कोई मकसद नहीं था क्योंकि जहाँ आरा से ऐसे बादशाह बेगम इसको कोई ख़तरा नहीं था, ना बादशाह बेगम की शादी हो सकती थी ना उसकी शादी की बात कोई कर सकता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोला तो इसी ने डाला हुआ था। अब जहाँ आरा जिए मरे अपने आशिक के साथ भागे जो मर्जी करे, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना था किसी चीज़ से। रहा सहा मकसद इसने जहाँ आरा को वापस कैसे हवेली भेजकर पूरा कर लिया, इसको पता था ये दोनों आपस में लड़ मरेंगे, अगर जहाँ आरा बच भी गई तो इसी का ही फ़ायदा है, उसको बादशाह बेगम बना के तो खुद फिर से गद्दी नशीन हो जाएगा। तो असल विलन तो ये हुआ ना फिर ड्रामे का। अगर अभी भी लोगों को ये लगता है ना कि शाहजेब को ही सबसे ज़्यादा ख्याल था पीरापुर के लोगों की भलाई का, तो वो कोई उनको एजुकेट नहीं करना चाहता था, वो उनको उसी सदियों पुराने रिवाज में रखना चाहता था। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से ही लगा लेंगे, उसने जो जहां आरा की आखिरी ख्वाहिश को जिस तरह अपने जूते के नीचे रखा है, और आखिरी सीन में अपनी बेटी को वही पट्टियाँ पढ़ाई हैं जो नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी अपने अपने मकासद के लिए, और इस तरह सब लड़के मर गए। आप लोगों को लास्ट एपिसोड कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताएं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।